Assalamualaikum. A very big hello to my YouTube family. Welcome back to our YouTube channel Zoya की दुनिया. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे. तो थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया कि आज मैं कौन सा वीडियो लेकर आई हूँ. हाँ, मेहंदी के पत्तों के पेस्ट से आज हम बनाएंगे सीक्रेट हेन्ना रेसिपी, जिससे हमारे हाथों पर डार्क कलर आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला स्टेप होगा, हम पत्तों को अलग करेंगे, क्योंकि हम मेहंदी के पत्तों को तोड़ते वक्त इतना केयरफुली से नहीं तोड़ते कि सिर्फ पत्ता ही हाथ को आ जाए, सब कुछ फास्ट फास्ट खींच लेते हैं. मैं मिलती हूँ इन पत्तों को कंप्लीट से तोड़ने के बाद. तो ये है फ्रेश हेन्ना लीव्स. इसको हम पेस्ट बनाने के लिए हम पहले जार ले लेंगे. इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिर्फ एक चम्मच, छोटा सा चम्मच चीनी यानी शुगर हम इसके अंदर ऐड करके, थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम इसको पहले लाइट से दरदरा पीसेंगे. थोड़ा अमाउंट में ही लिटिल बिट वाटर को ऐड करके ग्राइंड करेंगे. इसको हम बैचेस वाइज ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जो पत्ता नीचे पीसा गया वो वैसे ही रहेगा और जो सारे पत्ते रहेंगे वो ऊपर ऐसे ही रहेंगे. तो इसीलिए बीच बीच में हम स्पून की हेल्प से मिक्स करते रहें. तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ स्पून, ये भी बस थोड़ा ही, प्योर नीलगिरी ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, इससे डार्क स्टेन आएगा. तो चलिए फिर से ग्राइंड करते हैं. तो देखिए पेस्ट अच्छे से स्मूथ हो गया. तो देखते हैं हम, देखिए लाइट से पत्ते काड़ी इस तरह नज़र आ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, फिर से लिटिल बिट वाटर ऐड करके हम फिर से इसको ग्राइंड करेंगे. पानी का इस्तेमाल एक ही बार मत यूज़ कीजिएगा, इस तरह बैचेस वाइज ग्राइंड करते हुए, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए ग्राइंड कीजिएगा. तो ये है फाइनल हमारा पेस्ट. तो देखिए ग्राइंड हो चुका है. तो स्पून से लेने पर हमें समझ नहीं आता कि ये पेस्ट स्मूथ हुआ या नहीं, हाथ से लेकर आप चेक करें. तो देखें कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट पेस्ट नज़र आ रहा है. तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे. बाउल में निकालने के बाद हम इसको कवर करके 6 से 7 घंटे यानी 6 to 7 hours मिनिमम साइड में सेट होने के लिए रख देंगे. क्या हेन्ना लीव्स को भी रेस्ट टाइम लेना ज़रूरी है? तो जी हाँ, जितना अच्छा वो रेस्ट टाइम लेगा वो उतना ही अच्छे से सेट होगा और उसका कलर हमारे स्किन पर छोड़ेगा. तो चलिए देखते हैं हम आफ्टर 6 to 7 hours के बाद. तो देखिए 7 घंटे हो गए. मैं अब इसको अपने हाथों पर अप्लाई करके इसका रिजल्ट भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. हेन्ना पेस्ट को अच्छे से पैक करें, यानी लिड से हो या कवर से हो, उसके अंदर हवा ना जाए. बाहर की एयर गई तो फिर से हेन्ना पेस्ट सूखने के चांसेस होते हैं. आप यहाँ पर पेस्ट को देखिए कितना मॉइस्चराइज है. इसका रीज़न यही है कि हमने इसको अच्छे से कवर करके रखा. अगर पेस्ट सूख जाता तो फिर ये रूखा सूखा हो जाता और हमारे स्किन पर सही से नहीं रुकता. पत्ते की मेहंदी को हम कुछ इस तरह कैप्स वाइज लगा के बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा हमारे हाथों पर भारी भारी भी लगता है. मैं यहाँ पर रात के वक़्त अपने हाथ पर अप्लाई कर रही हूँ. इसको मैं सुबह तक अपने हाथों पर रखूँगी. तो दोस्तों मेहंदी के पत्ते को जिस दिन हम झाड़ से यानी पौधे से तोड़ते हैं, कोशिश कीजिएगा कि उस ही दिन पेस्ट बना के अपने हाथों पर अप्लाई करें, क्योंकि पत्ता जितना फ्रेश रहेगा ना उसका स्टेन उतना ही फास्ट आएगा. तो जितना भी पेस्ट रिमेनिंग बच गया उसको भी अच्छे से पैक कर लें, क्योंकि ये अगर सूख गया तो नहीं काम आएगा. तो चलिए इसका स्टेन देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग. तो दोस्तों ये देखिए जो मिडिल में मैंने लगाया था सेंटर में राउंड में, वो नींद में कब निकल गया हाथ से मुझे पता भी नहीं चला. और अब हम निकालते हैं ये फिंगर्स को जो हमने अप्लाई किया था. तो फ्रेंड्स देखिएगा फ्रेश स्टेन कितना डार्क आया है.
और जैसे जैसे टाइम लेते जाएगा वैसे कलर और भी डार्क होते जाएगा। तो आप लोग देख लिए ही है कि हमने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करे, बस हम एक चम्मच चीनी, शुगर ऐड किया और थोड़ा सा नीलगिरी ऑयल। अगर आपके पास नीलगिरी या यूकलिप्टस ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप क्या करें, थोड़ा सा इमली का बूटा ग्राइंड करते वक्त इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ये है फ्रेश स्टेन और जैसे टाइम गुजरते गया वैसे ही उसका कलर और डार्क होते रहा। तो ये देखिए, ये है एकदम नेचुरल हेना लीव्स पेस्ट का स्टेन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईद आने वाली है, हेना के रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।